मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरी आने वाली नई वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल घर का स्वाद में आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम बनाने वाले हैं आलू का चीला। ये चीला खाने में बहुत ही टेस्टी और बहुत ही जल्दी बनकर तैयार हो जाता है। इसे आप बच्चों के टिफिन में या सुबह के नाश्ते में बनाकर तैयार कर सकते हैं। इसे बनाने के लिए हमें चाहिए एक मीडियम साइज का कच्चा आलू, एक प्याज, एक छोटी चम्मच कुटी हुई काली मिर्च, आधा चम्मच चिली फ्लेक्स, दो चम्मच अरारोट और नमक स्वाद के अनुसार। सबसे पहले हम बाउल में आलू को इस महीन वाले कद्दूकस से कद्दूकस कर लेंगे। अब ये आलू हमने कद्दूकस कर लिया है, अब साथ ही हम ये प्याज को भी कद्दूकस कर लेंगे। अब ये आलू और प्याज हमने दोनों कद्दूकस कर लिए हैं। अब इसमें हम डालेंगे एक छोटी चम्मच नमक, एक छोटी चम्मच कुटी हुई काली मिर्च, आधा चम्मच चिली फ्लेक्स और दो बड़े चम्मच अरारोट डालकर अच्छे से मिक्स कर देंगे। आप इसकी जगह पर दो चम्मच मैदा भी ले सकते हैं। अब ये बैटर हमने इस तरीके से रेडी कर लिया है। अब हम बनाना स्टार्ट करते हैं। अब हम गैस ऑन करके पैन में दो बड़े चम्मच रिफाइंड या देसी घी डालकर अच्छे से गर्म होने देंगे। अब ये तवा अच्छे से गर्म हो चुका है। अब इस मिश्रण को हम एक बार और अच्छे से मिक्स कर देंगे और तवे पर डालकर इस तरीके से फैला देंगे। और इस चीले को 10 मिनट तक लो फ्लेम पर हम पकने देंगे। 10 मिनट हो चुके हैं। अब ये नीचे से चीला हल्का सा सिककर ब्राउन हो गया है। अब इसे हम पलट देंगे और दूसरी तरफ से भी सिकने देंगे और इसी तरह हम चीले को अलट पलट कर दबा दबा कर अच्छा क्रिस्पी होने तक सेक लेंगे। अब ये चीला बहुत ही अच्छे से सिक चुका है और आलू भी अंदर से पक गया है। अब चीले को हम प्लेट में निकाल लेंगे और सर्व करेंगे। आप चाहे तो इसके छोटे छोटे पीस भी कर सकते हैं। अब ये हमारा बहुत ही टेस्टी आलू का चीला बनकर तैयार है। आप इसे बच्चों के टिफिन में बनाकर रख सकते हैं या सुबह के नाश्ते में फटाफट तैयार कर सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।